कर्नाटक की तरक्की की राह का ऐलान रियासती बजट 2024 25 की एक झलक माली साल 2024 25 के लिए हाल ही में ऐलान करदा कर्नाटक रियासती बजट एक स्ट्रेटजिक विज़न की अक्कासी करता है जिसका मकसद इकतसादी तरक्की समाजी तरक्की और पायदार इकदाम को फ़रो देना है बदलती हुई माशी हरकियात और आलमी मंजरनामे से दरपेश चैलेंजों के पस मंज़र में तैयार करदा इस बजट में अहम तरजीहत का ख़ाका पेश किया गया है जो तरक्की और शमूलियत के लिए रियासत के अजम से मुताबकत रखती है इक़सादी नुक़ नज़र कर्नाटक हुकूमत ने बुनियादी ढांचे की तरक्की सनती तो तकनीकी जदत तराजी के इम्तज़ाज के जरिया मजमू रियासती घरेलू पैदावार जी एस डी पी में इजाफे का तखमीना लगाते हुए इकतदी तरक्की के लिए पुरजोश हदफ मुकर किया है कारोबारों के लिए साजगार माहौल पैदा करने पर जोर देने के साथ बजट का मकसद सरमायाकारी को रागब करना और कर्नाटक को सन्नतों के लिए तरजीही मकाम बनने की तरफ ले जाना है बुनियादी ढांचे की सरमाकारी बजट का एक अहम हिस्सा बुनियादी ढांचे की तरक्की के लिए मुख्त किया गया है जिसमें नकल वम तोानाई और शहरी मनसूबाबंदी जैसे शुबों पर तोज्जो मरकूज की गई है हुकूमत ने सड़कों के नेटवर्क को बढ़ाने अवामी नकलो हमल की तोसी और स्मार्ट सिटी इकदाम के नफाज के लिए फंडस मुख्त किए हैं यह सरमाकारी न सिर्फ रबते को फ़रग देने के लिए तैयार है बल्कि रियासत भर में माशी सरगर्मियों को भी आगे बढ़ाएगी तालीम और हनरमंदी की तरक्की तरक्की को आगे बढ़ाने में इंसानी सरमाए की अहमियत को तस्लीम करते हुए बजट में तालीम औररमंदी की तरक्की पर ज़ोर दिया गया है तालीम के शोबे के लिए मुख्त करदा रकम में प्राइमरी और सानवी तालीम के मैार को बेहतर बनाने पेशा वारा तरबियती प्रोग्रामों को बढ़ाने और अली तलीदों में तहकीक और ज़िद्दत तराजी को फ़रोग देने के इकदाम शामिल हैं इसका मक़द नौजवानों को तरक्की पजीर रोजगार की मार्केट के लिए ज़रूरी महारतों से लैस करना है जिससे इल्म को फ़रोग मिलेगा सेहत की देखभाल के इकदाम जारी आलमी सेहत के बहरान सेहत की देखभाल के मज़बूत बुनियादी ढांचे की ज़रूरत पर जोर दिया है कर्नाटक के रियासती बजट में सेहत की देखभाल के निजाम को मज़बूत बनाने के लिए वसाइल मुख्त किए गए हैं जिसमें तबी सहूलियात को अपग्रेड करने टीकाकारी प्रोग्रामों को वसत देने और सेहत आमा के मजमू बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने पर तोज् मरकूज की गई है इन इकदाम का मकसद मुस्तबिल में सेहत के चैलेंजों के लिए रियासत की तैयारी को बढ़ाना है माहौलिया इसकाम आब हुआ की तब्दीली से निमटने के लिए आलमी कोशिशों के मुताबिक बजट मालियाती इसकाम को फ़रोग देने के इकदाम का खाका पेश करता है इसमें काबिल तजदीद तो के मनसूबों शजरकारी के प्रोग्रामों और पानी के तहफ़ से निमटने के इकदाम में सरमाकारी शामिल है एक सरसब्स और पायदार मुस्तबल का आजम रियासत को दरपेश माहौलियाती चैलेंजों के बारे में हुकूमत की आगाही की अक्सी करता है नतीजा दो हज़ार चौबीस पच्चीस के लिए कर्नाटक रियाती बजट रियासत की तरक्की के लिए हुकूमत के विजन की एक जाम तस्वीर पेश करता है बुनियादी ढांचे तालीम सेहत की देखभाल और मालियाती इसकाम को तरजीह देते हुए हुकूमत का मकसद माशी तरक्की के लिए साजगार माहौल पैदा करना और अपने शहरियों के लिए मजमू मैार जिंदगी को बेहतर बनाना है जैसा कि कर्नाटक तेज़ी से बदलती हुई दुनिया के चैलेंजों से गुजर रहा है बजट तरक्की ज़दत तराजी और शमूलियत के साथ साथ मुस्कबिल के लिए स्टेज तैयार करता है कर्नाटक के बजट में अकलीती तरक्की के लिए फंड्स मुख्त किए गए हैं कर्नाटक हुकूमत ने अपने मुतनाज़ा, लेकिन अहम बजट मुख्त करने के मनसूबे का एलान किया है मजोदे बजट में मुख्तलिफ फ़िरकों जैसे मालुआ और मिथौला समेत अकलीती बरदरीों की तरक्की पर तोज् मरकूज की गई है अखराज के शुबों में मंगलोर में हज भून की तमीर के साथ साथ तरक्याती कॉरपोरेशन के तहत ईसाई बरदरी के लिए स्कीमें शामिल हैं मुख्तस में एक काबिल जिक्र रकम शामिल है कर्नाटक बजट दो हज़ार चौबीस पच्चीस मनसूबाबंद स्कीमों के लिए स्ट्रेटिक मुख्तस मंगलोर की तरक्की तारफ़ माली साल 2024-25 के लिए हाल ही में जारी किए गए कर्नाटक रियासती बजट ने रियासत के मसरूफ़ हुकूमत बंगलोर की मनज़म और स्ट्रेटेजिक तरक्की के लिए स्टेज तैयार किया है बंद स्कीमों पर गहरी तवज्जो के साथ बजट में ऐसे अहदाफ इकदाम को आगे बढ़ाने के लिए फंड्स मुख्त किए गए हैं जिनका मकसद शहर के बुनियादी ढांचे शहरी खदमांत और उसके रिहाइशियों के लिए मजमू मैार ज़िंदगी को बेहतर बनाना है शहरी बुनियादी ढांचे की तरक्की बजट का एक बड़ा हिस्सा बंगलोर के शहरी बुनियादी ढांचे को मज़बूत बनाने के लिए वक्फ़ है इसमें रोड नेटवर्क्स नेटवर्कसवामी नकलो हमल और स्मार्ट सिटी इकदाम की तरक्की में सरमाकारी शामिल है इसका मकसद शहर की बढ़ती हुई आबादी और बढ़ते हुए शहरकारी के चैलेंजों से निपटने के लिए रबते को बढ़ाना ट्रैफ़िक के हजूम को कम करना और मौसर शहरी इंतजाम के लिए तकनीकी हल को अपनाना है सस्ते हाउसिंग इकदाम सस्ती और पायदार हाउसिंग की जरूरत को तस्लीम करते हुए कर्नाटक हुकूमत ने बंगलोर में सस्ते हाउसिंग प्रोजेक्टों को फ़रो देने के मकसद से बंद स्कीमों के लिए बजट में फंड्स मुख्त किए हैं इन इकदाम का मकसद मुख्तलिफ आमदी वाले ग्रुपों के लिए रिहायशी हल फराहम करना जाम शहरी तरक्की को फ़रोग देना और इस बात को यकीनी बनाना है कि मतनो माशी पस मंजर से ताल्लुक़ रखने वाले रिहायशियों को मीरी रहायश की जगहों तक रसाई हासिल हो इकतसादी और सनती तरक्की बजट बंगलोर में अकतदी और सनती तरक्की को आगे बढ़ाने के लिए वसायल मुख्तस करता है जिससे रियासत के अतदी मरकज के तौर पर तो उसकी पोजिशन को तकवीत मिलती है फ़ंड सनतों की मदद करने ट्रिप्रीनोवरशिप को फ़रग देने और जिद्दत तराजी की हौसला अफजाई करने के लिए भेजे जाते हैं इसका मकसद कारोबारी तरक्की रोजगार के मौाक़े पैदा करने और शहर की मजमू माशी खुशहाली के लिए साजगार माहौल पैदा करना है तलीम और हनरमंदी की तरक्की तलीम और हनरमंदी की तरक्की की स्कीमों में सरमाकारी बजट के अहम अज्जा हैं जिसका मकसद इल्म और टेक्नोलॉजी के मरकज के तौर पर बंगलोर की हैसियत को मस्तहम करना है इस जुमरे में मुख्त फंड्स तलीमी इदारों की तोसी और बेहतरी हनरमंदी की तरक्की के प्रोग्रामों और तहकी इकदाम में मदद देंगे तालीम पर यह तस्वीराती तवज्जो हनरमंद अफराधी क़ुत की परवरिश और शहर में बासलाहियत अफराद को रागब करने के लिए अहम है सेहत की देखभाल तक रसाई और खदम बजट में सेहत की देखभाल पर जोर दिया गया है बंद स्कीमों के लिए फंड्स मुख्तस किए गए हैं जिनका मकसद बंगलौर में सेहत की देखभाल तक रसाई और ख़दम को बढ़ाना है इसमें सेहत की देखभाल की सहूलियात की तरक्की और अपग्रेडिंग तबी खदम की तोसी और अली दर्जे की सेहत की देखभाल की टेक्नोलॉजियों का नफाज शामिल है इसका मकसद ये यकीनी बनाना है कि रिहायशियों को मीरी सेहत की देखभाल के बुनियादी ढांचे तक रसाई हासिल हो जो शहर की मजमू फ़लाह बहबूद में हिस्सा डाले मालियाती इस्तकाम मालियाती तहफ़ के लिए आलमी कोशिशों के मुताबिक बजट बंगलौर में मालियाती इसकाम को फ़रग़ देने वाली मनसूबाबंद स्कीमों के लिए फ़ंडस मुख्त करता है इकदाम में सब्ज़ जगहों की तरक्की फ़जले के इंतज़ाम के प्रोग्राम और फ़िज़ा और पानी की आलूदगी से निमटने के इकदाम शामिल हैं मालियाती इसकाम पर तोज्जो एक काबिल रहाइश और माहौल दोस्त शहरी माहौल पैदा करने के लिए हुकूमत के अज़म की अक्कासी करती है नतीजा कर्नाटक बजट दो हज़ार चौबीस पच्चीस बंगलौर में तरक्की और तरक्की को फ़रो देने के मकसद से बंद स्कीमों पर नए सिरे से तोज्जो मरकूज करने का इशारा देता है बुनियादी ढांचे जिद्दत तराजी समाजी बहबूद और पायदारी को तरजीह देते हुए बजट शहर के लिए ज़्यादा खुशहाल और लचकदार मुस्तबिल की बुनियाद रखता है चूँकि बंगलोर एक मतहर्रिक शहरी मरक़ के तौर पर तरक्की कर रहा है लिहाजा ये टारगेटेड अलाटमेंट इसके रास्ते को तश्कील देने और इस बात को यकीनी बनाने में अहम किरदार अदा करेंगे कि एक मतहरिक और जाम रहे कर्नाटक बीजेपी के अपोजिशन लीडर आशोका ने कहा कि इसमें अज्म और संत का फ़ुकदान है यह तमाम महाजों पर मायूस कुन बजट है और रियासत की तरक्की के लिए कोई विजन नहीं है रियासती बीजेपी सदर बी वाई विजेंदर ने कहा कि बजट रियासत को साल पीछे ले जाएगा उन्होंने कहा ये किसान मुखालिफ है और ये रियासत की तरक्की के लिए सिफ़र पेशरफ़्त का बजट है साबिक सीएम एम बोमई ने कहा कि सीएम ने अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए झूठ से भरा सियासी बजट पेश किया है जेडीएस के रियासती सदर और सबक़ वजीर एच डी कुमार स्वामी ने कहा इस बजट के साथ सीएम ने रियासत की तबाही की बुनियाद रख दी है बीजेपी एम एल ए एस टी शेखर ने कहा कि बंगलोरू की तरक्की के सिलसिले में एक अच्छा बजट पेश किया गया है आई ए एस आफिसर जनाब लत्फ ख़ान अतीक चीफ मिनिस्टर के दफ़्तर में एडिशनल चीफ के केहदे पर फाइज हैं यल के अतीत के पास फिनांस का इजाफी चार्ज भी है जिससे वो कर्नाटक हुकूमत में सबसे ताकतवर ब्यूरोक्रेट बन गए हैं उन्होंने 2012 में वाशिंगटन डीसी में वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के सीनियर मुशीर की हैसियत से भी खिदमत अंजाम दी जब वो यूपीए हुकूमत के दौरान पीएमओ में थे तो उन्हें वर्ल्ड बैंक भेजा गया था उन्होंने पहले पीएमओ में डायरेक्टर की हैसियत से शमूलियत अख्तियार की और बाद में ज्वाइंट सेक्रेटरी बन गए अतीक साहब ने जो आईएएस में शामिल होने से पहले एक जरिमाह इकसा दिया थे अमरीकी यूनिवर्सिटी से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में डिग्री भी हासिल की है कर्नाटक दो हजार चौबीस पच्चीस बजट तैयार करने में जनाब यल के अतीक साहिब का नुमा किरदार रहा है आपकी क्या राय है नीचे दिए हुए बॉक्स में जरूर तबसरा करें इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें मिलते हैं हमारे अगले प्रोग्राम में खुदा हाफिज